मणिपुर में दो महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने की शर्मनाक घटना का मुद्दा विपक्ष ने आज संसद में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। विपक्ष पहले भी कई बार मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। अब ताज़ा वीडियो सामने आने के बाद पूरा विपक्ष भड़क गया और कांग्रेस, आप और टीएमसी समेत विभिन्न राज्य दलों ने घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही सरकार पे भी सवालिया निशाना खड़े किए हैं। उधर केंद्र भी संसद में इस मुद्दे पे बहस करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटना को पूरी तरह अमानवीय करार दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी बात की है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में सख्त एक्शन लेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन में कुल 17 दिनों का काम होगा। सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को केंद्र ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सरकारी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघावल शामिल हुए। विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष की धड़कनें बढ़ती जा रही है। राजनीतिक की बिसात बीत चुका है और सभी पार्टी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस ने जवाब में विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव एलियंस का गठन कर कड़ी चुनौती पेश कर दी है। इसके बावजूद पिछले दो आम चुनाव में जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने 2019 की सफलता के मंत्र पे मन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिन जातियों की बदौलत सफलता का परचम लहराया था उन्हीं को साधने में वो फिर से जुट गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील इशरालवाड़ी गांव में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान जारी है। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रायगढ़ जिले के खालापुर तहसील के इशरालवाड़ी गांव में भूस्खलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं मौके पर बचाव अभियान जारी है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से बचाव और राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के वंदे मातरम के बारे में एक टिप्पणी को लेकर के बीजेपी के विधायकों के शोर शराबे के बाद महाराष्ट्र विधान की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। संभाजी नगर जिले में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए आजमी ने कहा है वंदे मातरम का नारा लगाना उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा है लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना ही होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम केवल एक ईश्वर पे विश्वास करते हैं। वहीं आजमी के बयान पे बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों को शांत रहने की अपील की और कहा आजमी की टिप्पणी विषय के लिए अपरसिंगिंग है, उन्हें चर्चा के लिए सूचीबद्ध मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नार्वेकर की अपील के बाद हंगामा जारी रहा और इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।